अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश न करें। जीने का आदर्श तरीका तो ये होगा कि सोने की जरूरत ही ना हो, पर अभी ऐसा संभव नहीं है। शरीर में अभी भी थोड़ा जड़त तो है, तो ये थोड़ा बहुत सोएगा, बाकी के समय ये आराम में रहेगा। अगर आप इसे आराम में रखें तो शरीर को नींद की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक वो बुरी तरह से थक नहीं जाते। तो शरीर आपसे नींद कभी नहीं मांगता, लेकिन आराम जरूर मांगता है। अगर आपको आराम के साथ बैठना नहीं आता तो ये ऐसे आराम करना चाहेगा। अगर आप यहाँ पूरी तरह से आराम के साथ बैठते हैं तो ये कई घंटों तक बैठा रहेगा नींद के झोंकों के बिना, वरना इसे आराम करने का बस यही एक तरीका पता है। तो अपनी नींद की क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश न करें, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अपने शरीर को आरामदायक अवस्था में और सहज रखना सीख लें। अभी यहाँ बैठे हुए एक आसान चीज आप कर सकते हैं। यहाँ आकर बैठने के बाद आप बस अपना ध्यान अपने सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर पैर की उंगलियों तक ले जाएं और ध्यान दें कि शरीर का हर हिस्सा सहज और आरामदायक अवस्था में हो। क्या आप ऐसे बैठे हैं? आप जब भी बैठें, इसे जितना हो सके उतना आराम में ले आएं। आप हर चीज के प्रति तो जागरूक नहीं हैं, लेकिन जितना हो सके उतना इसे सहज कर लें। आप अचानक पाएंगे कि अगर आप रात 10 बजे सोते थे, अगर आप बस एक घंटे सहज होकर बैठें, तो आपको नींद अब आधे घंटे देर से आएगी। आपको 10 बजे सोने का मन नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से आप जागृत रहेंगे। तो अपनी नींद की क्वालिटी बेहतर बनाने के बजाय आप अपने जीवन की क्वालिटी बेहतर कीजिए। जीवन की क्वालिटी बेहतर करने का अर्थ है आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी कर रहे हों, सांस लेने जैसी सरल चीज से लेकर आपके जीवन की जटिल गतिविधियों तक, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी अगर आप उसे आराम के साथ नहीं कर पाते। कैसा है? जब आप किसी काम को पूरी सहजता के साथ कर पाते हैं, मान लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप ऐसे साइकिल चलाते हैं तो आपको साइकिल चलाने में मजा नहीं आएगा। अगर आप इसे सहजता से चलाते हैं, इतनी सहजता से कि हाथ छोड़ने पर भी ये सीधी ही जाएगी जैसी आप चाहें, आप बिल्कुल सहज होंगे। चूंकि आप बिल्कुल सहज हैं, आपके साइकिल चलाने की क्वालिटी बेहतर हो गई है ना? तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप जीवन की क्वालिटी बेहतर करते हैं तो नींद के घंटे अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आपके जीवन की क्वालिटी गिरती है, अगर आप कोई भी काम सहजता से नहीं कर पाते तब भी आप सो भी नहीं पाएंगे, लेकिन नींद नहीं आ रही है तनाव की वजह से, ऐसा नहीं है कि पर्याप्त आराम मिलने के कारण नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है क्योंकि आप तनाव में हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। अगर आपके शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। अगर आप आराम या ईज में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप डिस ईज में हैं। आप वहीं जा रहे हैं, आप डिसीज में हैं, यानी आप बीमार हो रहे हैं। अगर हम कहें कि आप डिसीज्ड हैं, मतलब आप मर चुके हैं। तो डिसीज की दिशा में ना बढ़ें, ईज या सहजता की दिशा में बढ़ें। अगर आप पूरी तरह से सहज हो जाएं, तो नींद का कोटा अपने आप कम हो जाएगा, नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जीवन की क्वालिटी अच्छी है। आप केवल अपनी नींद की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, जीवन ऐसे काम नहीं करता। दोस्तों, सद्गुरु की इस सीख के साथ साथ और भी कई बदलाव हैं जो आप खुद में लाकर अपने जीवन को सफल और आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि आप कुकू FM पर सद्गुरु जी की चाहो और पालो बुक की समरी जरूर सुनें। और सिर्फ यही नहीं, सद्गुरु जी की और भी कई बेस्ट सेलिंग बुक की समरीज आपको सुनने को मिलेंगी कुकू FM पर, जिनकी सबसे खास बात यह है कि आप इन पुस्तकों को हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती जैसी अपने लोकल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो दिखाए गए प्रोमो कोड ज्ञान 200 की सहायता से शुरुआत के 250 लोग पा सकते हैं पूरे 200 रुपए का डिस्काउंट। तो अगर आप अपने जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप कुकू FM। सुने कभी भी कहीं भी।